स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि भरतपुर में जल्द नया विज्ञान केंद्र शुरू होगा और भरतपुर से गोवर्धन तक 18 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण भी किया जाएगा। इस बीच उन्होंने पूर्व विधायक के बयान पर पलटवार भी किया। मंत्री सुभाष गर्ग से खास बातचीत की सहयोगी दीपक लवानिया ने। राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और थोड़ी देर बाद अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं को सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए हैं और भामाशाहों के सहयोग से जो मशीनें आरबीएम अस्पताल में लगाई गई थी उनका भी उद्घाटन किया है। सर, क्या क्या कार्यक्रम आज? देखिए, आज जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप पूरा बजट जो स्वास्थ्य को जो है समर्पित किया है, उसका अधिकांश हिस्सा उसके नंबर पर, उसके बाद शिक्षा, फिर उसके बाद किसान, फिर बेरोजगारों को रोजगार, 54,000 लोगों की भर्ती, ये सब कार्यक्रमों को लेकर के जो मकसद है हमारी सरकार का कि भाई हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ाई जाएँ, कैसे हमारा हर आदमी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो उस क्रम में बराबर जब भी आता हूँ मेरी प्रयास रहता है कि आरबीएम हॉस्पिटल में जो क्या सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, क्या इसमें कमियाँ हैं उनको सुधार सकते हैं, वो संकल्प लेके चल रहा हूँ। और उसी दौरान जो मशीनें नहीं थी उन मशीनों को कुछ भामाशाहों के माध्यम से मैंने भेंट करवाया, उसका उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीआर मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन, डेंटल चेयर्स, ये कुछ मशीनें हैं। और इसके अलावा और भामाशाहों को प्रेरित किया है, जल्दी ही जीए वर्क स्टेशन जिसकी लगभग 20-22 लाख की लागत होगी। मैं तो इस आरोप को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। आज भरतपुर ज़िले को अगर हम देखें, भरतपुर को नए औद्योगिक क्षेत्र की सौगात दी गई है और जल्दी ही जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी, जिस भी एरिया में, हमारा फोकस भरतपुर ज़िला है, भरतपुर ज़िले के दृष्टिकोण से सोचता हूँ मैं, तो भरतपुर ज़िले में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध होगी वहाँ नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। एक बहुत बड़ी सौगात दी है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने कभी अगर भरतपुर पर ध्यान दिया होता तो इस हॉस्पिटल्स की इनकी स्थिति ये नहीं होती। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और तीनों मंत्री हम सब मिलकर के एक भरतपुर ज़िले को आगे ले जाना चाहते हैं। अब नया औद्योगिक क्षेत्र भी बनेगा और मैं समझता हूँ, और जो सड़कों का है उस सड़कों के काम भी होंगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ कॉलेज भी और मिल जाएं, कुछ संस्थान भी मिलें। तो एक शुरुआत हुई है और अभी तो 5 साल के लिए जनता ने चुना है, इन 5 सालों में हिसाब किताब लिखा जोखा मानने का अधिकार है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिनका कहना है कि भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी और यहाँ से मरीज को रेफर करने की जो परंपरा बनी हुई थी उसे अब तोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन रिंकू अलीजा के साथ मैं दीपक लवानिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भरतपुर।